अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतिशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीखी बाब खैबर के मकाम पे और आज जश्न आज़ादी की जो है वो तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी है। तारीखी बाब खैबर जो है वो कमकमों से सब्ज़ और सफ़ेद कमकमों से रंगीन कमकमों से सजाया गया है। इस वक्त बाब खैबर पर ना सिर्फ यहाँ पे ज़िला खैबर के जो लोग हैं वो यहाँ पे जमा शुरू हो गए हैं, बल्कि जो पेशावर और साथ में से मलहका जो करीबी इलाके हैं वहाँ के लोग भी ज़िला खैबर का रुख किए हुए हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद में आवाम, बच्चे, बूढ़े यहाँ पे इस वक्त बाब खैबर पे मौजूद है और लोग जो आज 14 अगस्त की और जश्न आज़ादी की रात है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे लोग जो है वो जमा हो गए हैं, बच्चे जो है उनके साथ फैमिलीज भी है वो सेल्फियाँ यहाँ पे ले रहे हैं, बल्कि तकरीबन 11-12 बजे के करीब यहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से शानदार आतिशबाजी का जो है वो मुजाहरा भी किया जाएगा। हमने देखा यहाँ पे जो तारीखी मकाम है बाब खैबर, हर साल की तरह इस दफ़ा भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये भरपूर सजाया गया है। और यहाँ पे इस वक्त हम अगर आपको बताएं यहाँ पे जो तारीखी बाब खैबर है वो नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजाया गया है और इंतहाई दिलकश खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं साथ में से जो दूसरी वो शेरी है वो इसके साथ सेल्फियाँ बना रहे और लोग जोक तर जोक जो है वो लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है और तकरीबन कुछ देर बाद यहाँ पे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा।